जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यदि आपने एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या फिर जेल प्रहरी की एग्जाम दी है तो आपके लिए यहाँ पर ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारा सिलेक्शन 100% होना ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलेक्शन रुक सकता है, रिजल्ट रुक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे आपको आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, एक एक चीज़ पूरी समझ में आती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक मिस्टेक है वो आपको एग्जाम से बाहर कर सकती, मतलब जो आपकी जॉब है उस जॉब से दूर कर सकती, ठीक है। तो आप वो मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें जो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या क्या ध्यान रखना है तो आपको यहाँ पर देखना है, सुनना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इस रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट अभी जैसे चुनाव का पूरा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स का इनका तो सबसे पहले काम होता है। तो चुनावी रिजल्ट जैसे ही आएगा, हर एक यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की ले लो या फिर एमपी पुलिस की ले लो, कॉन्स्टेबल की, या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे जेल प्रहरी वगैरह में इनमें भी फॉर्म डाला था, इसकी भी एग्जाम दी है, ठीक है। तो इनकी एग्जाम दी है तो इनके रिजल्ट भी आना है और बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इनका जो भी फिजिकल होना है, ये सब कुछ होगा, इनकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी अब धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा ये सब कुछ चालू हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आज से ही आपको ये देखना है कि आपका पास जो भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कंप्लीट हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास कम से कम 2-3 चीज़ें ऐसी होना जरूरी है, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना जरूरी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, या जिसकी वजह से आप उस फिजिकल से बाहर ना हो, या फिर आपका रिजल्ट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। अब यहाँ पे इन सभी के लिए लगभग जो डॉक्यूमेंट्स है सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, एमपी पुलिस बोलो या फिर फॉरेस्ट गार्ड जेल पर है इनके लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात करें, उसके बाद में फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको किन किन और दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें देख लो, यहां पर है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो सबसे पहले यहां पर देखें, सबसे पहले आपको अपने पास रखना है 10th की मार्कशीट, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पर देख लें, यहां पर 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की। तो इस तरीके से यहां पर दो तो कंपल्सरी है सभी के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जिसने भी ग्रेजुएशन लेवल का यदि कोई फॉर्म डाला है और उसकी एग्जाम दी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के लिए आपकी मार्कशीट रखना है ग्रेजुएशन की, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है, और इसके बाद में फिर यहां पे वो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा क्या नहीं, तो थोड़ा सा यहां पे चौथे नंबर पे देख लो। चौथे नंबर पे यहां पर आ जाएगा क्या, आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद फिर पांचवे नंबर पे यहाँ पर देख लो, और पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से आपका आपको फिजिकल में रोक सकते हैं, या फिर आपकी जो जॉब है वो आपसे दूर हो सकती है। कैसे? तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है और उसी में दिक्कत आ सकती है, बाकी 10th की तो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th की भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म डाला, उसकी एग्जाम दी है, तो उसके लिए भी आपके पास वो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकम का कई लोगों के पास एकदम से नहीं होता है, या फिर बहुत पुराना होता है तो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको दूसरा बना लेना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है कि लास्ट में यहाँ पे रोजगार पंजीयन। अब रोजगार पंजीयन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई बार से नहीं भी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार पंजीयन जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बना के रखना है, क्योंकि लगेगा ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कई प्रकार की दिक्कत आती है इसी में, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। और यही एक दिक्कत, यही एक गलती एक व्यक्ति की जॉब को खा सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे रोजगार पंजीयन जो होता है इसमें कई स्टूडेंट का ऐसा होगा जिनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गई होगी, या फिर पुराना होगा, ठीक है, या फिर किसी का बना ही नहीं होगा, इस तरीके से हो सकता है। वैसे तो बना होगा, सबका बना है, लेकिन फिर भी किसी का ऐसा हो सकता है। और यदि आपका जो रोजगार पंजीयन है ये एक्सपायर्ड हो गया है तो आप इसको बना लेना है, और बाकी नहीं भी है तो भी आपको नया बना लेना है, ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा आगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और बाकी दूसरा वाला यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिजल्ट रुकने की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब इसमें दूसरे में अपने हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मान लो से कोई करप्शन जैसा कोई मामला आए,
ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कोई भी घोटालेबाजी यदि होती है तो उसमें वो रुक सकता है। ठीक है, जैसे कि पटवारी में हुआ था, ठीक है, तो पटवारी में हुआ था तो पटवारी में क्या है, अच्छे खासे मार्क्स जिनके थे उनके भी बहुत कम कर दिए, और जिनके मार्क्स बिल्कुल कम थे या फिर बहुत सारे लोगों ऐसा मतलब इसी मतलब फर्जीवाड़े में इस तरीके से लगा दिए। ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा उछला था, सभी को पता है, ये कोई नया नहीं। तो इस तरीके से पटवारी जैसे मान लो कभी हो तो वो बात अलग है, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब घटना हुई है तो सरकार हो या फिर स्टूडेंट हो कोई भी है, सावधान तो होना ही है। ठीक है, संभल जाएंगे वो, लेकिन फिर भी यहाँ पे 100% पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी, संभावना तो बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो आदत है वो आदत एकदम जाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि आपको ये पाँचवा वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। और हाँ, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो रोजगार पंजीयन है वो एकदम करेक्ट है, नया भी है, ठीक है, एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, और फिर भी वहाँ पर मना कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कोर्ट का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कोर्ट का सहारा कैसे लेंगे, किसी न किसी वकील के थ्रू लेंगे। ठीक है, तो आपके जान पहचान का जो भी मतलब से कि कोई अच्छा वकील हो जो एजुकेशन की फील्ड में काम कर चुका हो पहले, जिनको इनकी अच्छी तरीके से जानकारी हो, ठीक है, पहले इस तरीके के केस लड़े हो, तो वो इंसान आपकी मदद कर सकता है, यदि आपके वो परिचित में हो, जान पहचान कैसे भी हो। ठीक है, लेकिन इस टाइप का यदि कोई वकील मिले तो आपको वो मदद कर सकता है और आपकी जो जॉब है वो आपको दिला सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि इस टाइप का जो एक्सपर्ट है जिन्हें आप हम सभी लोग जानते हैं, दिनेश चौहान सर, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसी कोई दिक्कत आए तो याद करना है, क्योंकि YouTube की दुनिया में या फिर एजुकेशन फील्ड की दुनिया में जितने भी चैनल वगैरह बने हैं उसमें एक ही एडवोकेट हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं पूरी तरीके से, दिनेश चौहान सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, और इनके जो नंबर इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इनके वीडियो पर नंबर मिल जाएंगे बहुत सारे, मतलब लगभग हर एक वीडियो पर कहीं ना कहीं नंबर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अलग से भी उसे की वीडियो बनाते हैं कि यदि किसी को कोई आवश्यकता हो, किसी कोई मदद की जरूरत हो तो वो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ रहता है लिंक वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आपको देखना है, ये कब जब दिक्कत आए इसमें तब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ही काम की थी। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको और देख ले, अपना चेकआउट कर ले कि अपने पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो सब पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो कंप्लीट करते रहें, मतलब दौड़ते रहें, एक्सरसाइज पूरी करते रहें कंप्लीटली, और उसके बाद में अब यदि टाइम मतलब करीब है, ठीक है, टाइम बहुत दूर नहीं, तो टाइम बहुत कम आपके पास है, तो अब इसमें आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं बहुत कम टाइम में 10-15 दिन में, एक महीने में कर लूँगा सब कुछ, तो वो लगभग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं। अब जो साल भर से मेहनत कर रहा है वो आगे निकलेगा या फिर एक महीने वाला निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको फिजिकल की। ठीक, चलिए तो मिलेंगे फिर अगली वाली क्लास में, और अगली जो क्लास रहेगी वो बायोलॉजी की रहेगी, कोशिका की। ठीक है, चलिए।